श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड पर सोमवार को सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसकी पहचान रिंकू सिंह के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक हमले में सीमा सशस्त्र बल के 3 कर्मचारी और 15 नागरिक घायल हुए हैं। अपने थाईलैंड दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने बैंकॉक में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। चर्चा के बाद जब फडणवीस से सरकार बनाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार गठन को लेकर कोई क्या कह रहा है इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये विश्वास है कि नई सरकार जल्द बनेगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य और केंद्र सरकारों पर तल्ख टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग मर रहे हैं और ज्यादा लोग मारे जाएंगे, लेकिन शासन में बैठे लोग केवल तिकड़मबाजी में दिलचस्पी रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में 17 साल से जेल में बंद विकास यादव को पेरोल देने से इनकार कर दिया। विकास ने जेल से 4 हफ्ते की छुट्टी के लिए अर्जी लगाई थी। वह सपा के पूर्व सांसद डीपी यादव का बेटा है। वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति के बीच दिल्ली में सोमवार से 15 नवंबर तक ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल कार पुलिंग कर अपने मंत्रियों के साथ ऑफिस गए। उन्होंने दावा किया है कि रोजाना दिल्ली की सड़कों पर 30 लाख वाहन चलते हैं। आज 15 लाख वाहन सड़क पर नहीं उतरे, इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया में सबसे सफल इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार सिर्फ 11 नहीं बल्कि एक मैच में 15 खिलाड़ी खेलते नजर आ सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईपीएल को रोचक बनाने के लिए इसके खेल नियमों में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रहा है। अगर सब कुछ योजना अनुसार रहा तो 2020 आईपीएल में ऐसा देखने को मिल सकता है। ऑपरेशन कमल को लेकर पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर वायरल हुए येदियुरप्पा के कथित ऑडियो वीडियो क्लिप का मामला शीर्ष अदालत में पहुंच गया है। कांग्रेस ने सोमवार को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ के सामने उठाया। अदालत मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को लाहौर हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल मामले में जमानत दे दी है। शेयर बाजार में फायदे का सोमवार को लगातार 7वां सत्र रहा। सेंसेक्स 137 अंक की बढ़त के साथ 40301 पर बंद हुआ। निफ्टी की क्लोजिंग 50.2 पर 11941 हुई।